हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम सीखेंगे कि आप किस तरह से मतलब कि पबजी का नेम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपने लोगों के नेम देखे होंगे, लोगों ने स्टाइलिश नेम लिखे होते हैं। आजकल के मुख्तलिफ फ़ोन से लोग नेम लिखते हैं, उसके बाद साथ में उन्होंने सिंबल लगाया होता है। वो आप देखते हैं कि काफ़ी लोगों ने अच्छे अच्छे सिंबल यूज़ किए होते हैं। जैसे कि हर जितने भी पबजी पार्टनर हैं या डोमिनेटर हैं, जो भी यूट्यूबर हैं, सब ने, टिकटॉकर हैं, जो भी हैं, आम बंदे ने भी नेम चेंज किया होता है स्टाइलिश अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट के साथ। और उनका जो होता है दरमियान में या साइडों पे या कोई सिंबल्स वगैरह भी होती हैं, उनके बारे में आज हम जानेंगे कि हम उसको कैसे लिख सकते हैं। आपने यहाँ पे प्ले स्टोर ओपन करना है, वहाँ पर आपने जल्दी से सर्च करना है जी पबजी सिंबल। पबजी सिंबल हमने ये वाली एप्लीकेशन देख लेने, बहुत सारी एप्लीकेशन आ जाती हैं, आप सब ट्राई कर लें, जो आपको अच्छी लगती हैं आप उसमें अपना नेम चेंज कर लें, उसके फॉन्ट वगैरह यूज़ कर लें, उसके आप जो आप सिंबल वगैरह यूज़ करना चाहते हैं वहाँ से उसके यूज़ कर लें। लेकिन मुझे जो अच्छे लगते हैं, मैं आपको जो कहूँगा वो आपको कहूँगा, ये डाउनलोड करें फर्स्ट वाला नेम क्रिएटर फॉर पबजी, ये बेस्ट है। इसके अंदर आपको कुछ एप्लीकेशन है, उसके अंदर आपको फॉन्ट के बारे में नहीं बताता कि भाई कौन सा फॉन्ट आप पबजी में यूज़ कर सकती हैं, लेकिन इस एप्लीकेशन के अंदर वो बताता है कि ये वाला पबजी के लिए फॉन्ट है और ये वाला अदर गेम्स के लिए। तो इसको आपने इंस्टॉल कर लेना जल्दी से, जैसे कि मैं अभी आपके सामने इसको लाइव प्रो में इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये मेरा इंस्टॉल जैसे ही हो जाएगा तो फिर इसको मैं आपको आगे वाला करके दिखाऊँगा। लो जी, एप्लीकेशन हमारी डाउनलोड हो गई है, अभी इंस्टॉल हो रही है। तो इंस्टॉल भी हो गया, अभी हमारी फ़ोन मास्टर सिक्योरिटी स्कैन से हमारी ये स्कैन हो रही है। अब स्कैन हो गया तो हम इसको जल्दी से ओपन करते हैं। जैसे ही हमारी एप्लीकेशन ओपन होती है तो आपके इंटरफेस को इस तरह से आएगा। आपने इसको इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है, जो आपकी लैंग्वेज है वो कर लें, योर लैंग्वेज। उसके बाद आपने यहाँ पे कोई भी एक अपना नेम सर्च कर लेना है, जो आपका पबजी नेम है, जो आप यूज़ करना चाहते हैं, कोई भी नेम हो। और जैसे कि मैं अभी यहाँ पर लिखता हूँ जी, अभी मैंने यहाँ पे एक लिख लिया जी पबजी लवर। अभी पबजी लवर मैंने लिखा है तो मैं क्या करूँगा जी, मैं इसको ये लवर को भी मैं LOV पबजी लवर मैंने लिखा है तो इसको भी मैंने इस तरह से कर लिया। सही है, पबजी लवर में भी मैंने इसको ये देखें बड़ा लिख लिया कैपिटल में। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसके दरमियान में मैं एक सिंबल यूज़ करूँगा दरमियान में, कोई भी आप एक सिंबल यहाँ से यूज़ कर सकते हैं जो पबजी में इस्तेमाल हो सकती हैं। जैसे कि मैं ये वाली एप्लीकेशन जी 47 के लिए की है, और दरमियान में ये बड़ी प्यारी लगती है। उसके बाद कोई और यूज़ करना चाहते और यूज़ कर लें, जैसे कि ये वाली एप्लीकेशन ये देखें, इसके अंदर कोई एक सिंबल आप जो आप यूज़ करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने ये यूज़ किया पबजी लवर के नेम से, आपको पता है बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। उसके बाद जी इसका ये सीन है कि ये फ़ॉन्ट आप देख रहे हैं 12-13 फ़ॉन्ट है, ये सिर्फ पबजी के लिए। आप इसको फ़ॉन्ट को कॉपी करके पबजी में कर सकते हैं, ये आपके पबजी में इस्तेमाल हो सकते हैं। उसके बाद ये जो अगले ये अगले फ़ॉन्ट है ना, ये सिर्फ अदर गेम्स के लिए हो सकते हैं, सिर्फ पबजी में नहीं हो सकते। ठीक है, ये मतलब कि बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है, आपने इसको कर लेना जी इंस्टॉल। अभी यहाँ पे हम कोई एक फाउंड कोई एक और न्यू नेम लिखते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ जी RDX। उसके बाद यहाँ इसके दरम्यान में डॉट लगाते हैं, डॉट कैसे लगाएंगे, डॉट हम लगाते हैं जी, ये देखें ये हमारा डॉट हो गया, इसको रिमूव करते हैं, ये डॉट हो गया। RDX जी आगे डॉट के आगे हम लगाते हैं जी RDX डॉन। सही है, RDX डॉन लगाया तो आपके सामने कुछ अच्छे अच्छे फॉन्ट आ गए। आप अच्छे अच्छे फॉन्ट्स को इनको कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करके आप इसी जगह पर अगर पेस्ट करते हैं तो आपका नेम इस तरह से आएगा। ये देखें जी आपका ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें RDX डॉन के नाम से आपका नेम यहाँ से बहुत ही खूब बन जाएगा, आप उसको इजीली पबजी में यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही छोटी थी, 5 मिनट की एक वीडियो है, तो आप इसको इजी आप इसको यूज़ करें, अपने पबजी में इस्तेमाल करें, बहुत ही ज़बरदस्त, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो
आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।